हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, आज हम 20 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स देख रहे हैं। फ्रेंड्स, लास्ट जो 10 डेज के करंट अफेयर्स हैं वो आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज हम डिस्कस करेंगे 20 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, मैं आउट ऑफ स्टेशन गया था इसलिए वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। लास्ट 10 दिन के जो करंट अफेयर्स हैं आपको 4 से 5 दिनों में मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम 20 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स पर। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विजन जीरो सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मुंबई। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजन जीरो और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में इसकी प्रासंगिकता पर 3 दिवसीय सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है, ये आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में किया जा रहा है। अब ये किया तो जा रहा है लेकिन ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, इस सम्मेलन का आयोजन कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय द्वारा किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह विजन मशीनों उपकरणों और कार्यस्थलों में सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने एवं कार्यबल के कौशल विकास पर आधारित है। अब इसका आंसर मुंबई है, तो मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो हम एक बार देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल शुरू किए। नेक्स्ट है, 12वां वार्षिक भारतीय उपमहाद्वीप निर्णय विज्ञान संस्थान सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, भारत ने ईरान के पसरगाद बैंक को मुंबई में एक शाखा खोलने की अनुमति दी। नेक्स्ट है, पार्टनरशिप समिट 2019 का उद्घाटन मुंबई में होगा। नेक्स्ट है, 9वीं आधुनिक कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत रबर एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन मुंबई में किया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट है, दूसरे विश्व संतरा महोत्सव का उद्घाटन नागपुर में हुआ। नेक्स्ट है, वस्त्र मंत्रालय मुंबई में तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। नेक्स्ट है, वस्त्र मंत्रालय ने आर्टिसन स्पीक नामक एक कार्यक्रम मुंबई में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया। अब फ्रेंड्स, हम महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो है सी विद्यासागर राव। तो इतने पॉइंट आपको महाराष्ट्र से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य में सेल की इस्पात प्रसंस्करण इकाई स्थापित की गई? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिहार। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया में सेल की इस्पात की प्रसंस्करण इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये आपको याद रखना है, केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने, ठीक है फ्रेंड्स, बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया में सेल की इस्पात प्रसंस्करण इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया। और यह इकाई उच्च गुणवत्ता वाले स्टील ट्यूब और पाइप का उत्पादन करेगी और 50,000 टन प्रतिवर्ष की स्थापित क्षमता के साथ यह इकाई मुख्य रूप से कृषि गहन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर बिहार है। तो बिहार के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना। बिहार के जो सीएम है वो है नीतीश कुमार और बिहार के जो गवर्नर है वो है लालजी टंडन। तो इतने पॉइंट आपको बिहार से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए कौन सा देशव्यापी नंबर लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 112। 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए 112 देशव्यापी नंबर लॉन्च किया गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं की सुरक्षा हेतु इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS का शुभारंभ किया। ये आपको याद रखना है,
ईआरएसएस का शुभारंभ किसने किया ये भी पूछा जा सकता है, तो वो किया है गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। और ईआरएसएस का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है जो कि है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। और आपात स्थिति में देशव्यापी हेल्पलाइन नंबर 112 डायल कर सकते हैं। और गृह मंत्री ने दो पोर्टल यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली और सुरक्षित शेयर कार्यान्वयन निगरानी पोर्टल भी शुरू किए, तो ये भी आपको याद रखना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार और हम देख लेते हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं की सुरक्षा हेतु इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ईआरएसएस का शुभारंभ किया। और आपात स्थिति में देशव्यापी हेल्पलाइन नंबर 112 डायल कर सकते हैं। और गृह मंत्री ने दो पोर्टल यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली और सुरक्षित शहर कार्यान्वयन निगरानी पोर्टल भी शुरू की, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कौन सा शहर 79वीं भारतीय इतिहास कांग्रेस की मेजबानी करेगा, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी भोपाल। भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुणे विश्वविद्यालय द्वारा इनकार किए जाने के बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भोपाल में 26 फरवरी 2019 को कब 26 फरवरी 2019 को ये आपको याद रखना है 26 फरवरी 2019 से शुरू होने वाले 79वें भारतीय इतिहास कांग्रेस की मेजबानी करने का निर्णय लिया है। और पहले 79वां सत्र 28 दिसंबर से सावित्री बाई फूले पुणे विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाना था। और प्रमुख इतिहासकारों सहित 1000 से अधिक प्रतिनिधियों के भोपाल में आयोजित IHC में भाग लेने की उम्मीद है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि 79वीं भारतीय इतिहास कांग्रेस की मेजबानी भोपाल करेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। भोपाल करेगा तो भोपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। भोपाल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय बाल रंग 2018 आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिम रेलवे ने मध्य प्रदेश में पातलपानी कालाकुंड खंड पर विशेष हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत की। नेक्स्ट है, कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने नया आध्यात्मिक विभाग बनाने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, 86वीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप इंदौर में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य में कृषि ऋण माफी योजना शुरू की गई। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की। अब फ्रेंड्स हम मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है कमलनाथ। और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। तो इतने पॉइंट आपको मध्य प्रदेश से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक लैब का उद्घाटन किया, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अत्याधुनिक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक लैब और दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट साइपेड का उद्घाटन किया, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आ सकता है साइपेड, ओके। तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अत्याधुनिक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक लैब और दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट साइपेड का उद्घाटन किया। और इस पहल के साथ कानून लागू करने वाले साइबर खतरों को नियमित रूप से संबोधित करने में सक्षम होंगे। और दोनों साइबर क्राइम फाइटिंग यूनिट द्वारका सेक्टर 16C में एक कॉम्प्लेक्स में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक लैब का उद्घाटन किया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने क्रूज मिसाइल दागने में सक्षम एक नई स्थानीय रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ईरान। ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईरान ने क्रूज मिसाइल दागने में सक्षम एक नई स्थानीय रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की। और फतह नामक नई पनडुब्बी अर्ध भारी श्रेणी की ईरान की पहली पनडुब्बी है, तो ये आपको याद रखना है। फतह नामक नई पनडुब्बी अर्ध भारी श्रेणी की ईरान की पहली पनडुब्बी है, फतह नामक, तो ये आपको याद रखना है। और करीब 600 टन की पनडुब्बी क्रूज मिसाइलों के अलावा टारपीडो और नौसेना की खानों से लैस है।
और इसे 35 दिनों तक समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक नीचे संचालित किया जा सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं, ईरान ने क्रूज मिसाइल दागने में सक्षम एक नई स्थानीय रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की, और फतेह नामक नई पनडुब्बी अर्ध भारी श्रेणी की ईरान की पहली पनडुब्बी है, और करीब 600 टन की पनडुब्बी क्रूज मिसाइलों के अलावा टारपीडो और नौसेना की खानों से लैस है, और इसे 35 दिनों तक समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक नीचे संचालित किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर ईरान है, तो ईरान का हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान, ईरान की जो करेंसी है वो है ईरानियन रियल, और ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो है हसन रूहानी। इतने पॉइंट आपको ईरान से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत और किस देश ने 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोरक्को। मोरक्को इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और मोरक्को ने रबात में, कहां पर? रबात में। रबात क्या है? कैपिटल है मोरक्को की, ये भी आपको याद रखना है। भारत और मोरक्को ने रबात में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, और इस समझौता ज्ञापनों में आवास और मानव निपटान में आतंकवाद का मुकाबला करने और सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना शामिल है, और दोनों देशों ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु काउंटर टेररिज्म पर एक संयुक्त कार्यदल गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। भारत और मोरक्को ने रबात में 4 समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, और इस समझौतों ज्ञापनों में आवास और मानव निपटान में आतंकवाद का मुकाबला करने और सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना शामिल है, और दोनों देशों ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु काउंटर टेररिज्म पर एक संयुक्त कार्यदल गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर मोरक्को है, तो मोरक्को के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मोरक्को की जो कैपिटल है वो है रबात, मोरक्को की जो करेंसी है वो है मोरक्कन दिरहम, और मोरक्को के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है सादिदाइन ओथमानी। इतने पॉइंट आपको मोरक्को से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए कितनी पहलें शुरू की गई हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निवास, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिला की सुरक्षा को बढ़ाने हेतु 3 पहलों की संकल्पना की है, और इन्हें नई दिल्ली में गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह और WCD मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। और इन 3 पहलों में राज्यों में पैनिक बटन, SCIM पोर्टल और DNA विश्लेषण सुविधाएं शामिल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार और हम डिस्कस करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निवास, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु 3 पहलों की संकल्पना की है, और इन्हें नई दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और WCD मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। और इन 3 पहलों में राज्यों में पैनिक बटन, SCIM पोर्टल और DNA विश्लेषण सुविधाएं शामिल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में शुरू होने वाले 10 दिवसीय ताज महोत्सव का विषय क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परंपरा। परंपरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 दिवसीय ताज महोत्सव 18 फरवरी 2019 को परंपरा विषय के साथ शुरू हुआ, और इसका उद्घाटन शिल्पग्राम में यूपी के राज्यपाल राम नाईक द्वारा किया गया। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? शिल्पग्राम में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। इसका उद्घाटन शिल्पग्राम में यूपी के राज्यपाल राम नाईक द्वारा किया गया, और इस सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान उषा उथुप और कुमार सानू सहित कई लोकप्रिय पार्श्व गायक प्रस्तुति भी देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। 10 दिवसीय ताज महोत्सव परंपरा विषय के साथ शुरू हुआ, और इसका उद्घाटन शिल्पग्राम में यूपी के राज्यपाल राम नाईक द्वारा किया गया, और इस सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान उषा उथुप और कुमार सानू सहित कई लोकप्रिय पार्श्व गायक प्रस्तुति भी देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस शहर में बेंडीकूट नाम से एक सीवर की सफाई करने वाला रोबोट पेश किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा मेला साफ करने से छुटकारा पाने के प्रयासों के तहत चेन्नई में
पहली बार एक सीवर की सफाई करने वाला रोबोट पेश किया गया है और बेंडिकुट नामक रोबोट को 18 लाख रुपए की लागत से पेश किया गया था और इसका उद्घाटन तमिलनाडु के मंत्री कंदम्बूर राजू ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, और स्क्रीन पर ब्लॉकेज देखकर ड्रेनेज की सफाई का पता लगाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये पूछा जाता है बेंडिकुट नाम से एक सीवर की सफाई करने वाला रोबोट किस शहर में पेश किया जाए, तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप करेंगे चेन्नई। ठीक है फ्रेंड्स, और बेंडिकुट नामक रोबोट को 18 लाख रुपए की लागत से पेश किया गया और उसका उद्घाटन तमिलनाडु के मंत्री कंदम्बूर राजू ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और स्क्रीन पर ब्लॉकेज देखकर ड्रेनेज की सफाई का पता लगाया जा सकता है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर चेन्नई है, तो चेन्नई कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु से रिलेटेड जो रिसेंटली कंडक्ट रहे हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। केंद्र सरकार की सहायता से भारत का पहला संगीत संग्रहालय तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने चक्रवात गाजा से प्रभावित लोगों के लिए तमिलनाडु को 1146 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपना पहला तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात टर्मिनल तमिलनाडु में चालू करेगा। नेक्स्ट है, कोयम्बटूर की पुलिस ने पुलिस EI मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। नेक्स्ट है, चेन्नई में सर्वभाषा कवि सम्मेलन या राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, चेन्नई ट्रैफिक पुलिस ने एक सड़क सुरक्षा रोबोट को सेवा में शामिल किया। नेक्स्ट है, तमिलनाडु ने द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट श्रेणी के तहत स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार जीता। अब फ्रेंड्स हम तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। तमिलनाडु के जो CM है वो है इद्दापदी के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो है बनवारीलाल पुरोहित। इतने पॉइंट आपको तमिलनाडु से याद रखने। फ्रेंड्स आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। फ्रेंड्स लास्ट 10 दिन के जो करंट अफेयर्स रहे हैं आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।